मदार स्थित मधुबन कॉलोनी में फ्लक्चुएशन की वजह से लोगों के घरों में बिजली के उपकरण उड़े। एवीवीएनएल को शिकायत देने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। मदार स्थित मधुबन कॉलोनी में फ्लक्चुएशन की वजह से कई लोगों के घरों में बिजली के उपकरण उड़ गए। कॉलोनी निवासी पंकज जैन ने सूचना देते हुए बताया कि दो दिन पहले भी एवीवीएनएल को फ्लक्चुएशन की शिकायत दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया और आज लोगों के घरों में बिजली के उपकरण उड़ गए। किसी का एसी, किसी का फ्रिज, किसी का टीवी तो किसी की ट्रेडमिल। पूरे क्षेत्र में कम से कम 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। निवासी हैं मधुबन कॉलोनी, क्या हुआ, पिछले दो दिन पहले भी हमने कंप्लेन कराई थी कि हमारे लाइट के अंदर फ्लक्चुएशन आ रहा है। उस समय आए, ठीक करे गए, उसके बावजूद भी प्रॉपर लाइट ठीक नहीं हुई। आज सुबह करीब 4:30-5:30 बजे करीब हमारे घरों में आवाज़ आने लगी पटाख पटाख की। हमने जाके चेक किया तो मालूम पड़ा कि मेरे घर का एसी बंद हो गया और चीज़ें भी बंद हो गई, लाइटें भी बंद हो गई, ट्यूबलाइट भी बंद हो गई, जो कि उसकी फ्लक्चुएशन लाइट का होने से वो फ्यूज हो गए सब। और लोगों के मालूम किया है यहाँ पर कॉलोनी वालों के, तो काफ़ी लोगों के किसी का कूलर गया है, किसी का फ्रिज गया है, किसी की टीवी गई है, किसी की ट्रेडमिल भी गया हुआ है। मतलब इस तरह से काफ़ी नुकसान हुआ है और पूरी कॉलोनी में कम से कम भी यहाँ पर करीब 100-150 गरीब घर हैं। 100-150 घर के अंदर मार्कन करा जाए तो कम से कम 25-30 लाख रुपये का नुकसान हुआ होगा। आप इसके लापरवाही मानते हो? इसके अंदर एवीएल की लापरवाही है, क्योंकि ये एवीएल के अंदर में आता है। एवीएल दो दिन पहले भी शिकायत की गई थी, उसके बावजूद भी इसके अंदर जब फ्लक्चुएशन हो रहा था तो उनको उसे लाइट को ड्रॉप करना चाहिए था, लाइट को बंद करना चाहिए था, उन्होंने लाइट को बंद नहीं किया, उसके बाद लाइट को कंटिन्यू चालू किया उन्होंने। अभी नुकसान कौन भरेगा? नुकसान की जिम्मेदारी तो एवीएल वालों को होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की लापरवाही से ये नुकसान हुआ है। आपका नाम? पंकज जैन। और मधुबन कॉलोनी नाका मदार अजमेर का निवासी हूँ। जैसा कि आज यहाँ पे जो एक हादसा घटित हुआ है कि लोगों के विद्युत उपकरण जो फूक गए हैं, और समस्त क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि कईयों के एसी, टीवी, फ्रिज, एलईडी, जितने भी आजकल के जो होम एम्प्लायंसेस के चीज़ें हैं घर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। करीब 30-35 लाख का मेरे हिसाब से नुकसान होना चाहिए, क्योंकि अमूमन चीज़ है कि एसी जैसी चीज़ ही 25-30 हज़ार की आती है, 1.5 लाख की ट्रेड में है, बिजली है, पंखे हैं, कईयों के तो घर में सारी चीज़ें ही उड़ गई हैं, बेचारे अंधेरे में बैठे हुए हैं इस भीषण गर्मी में। एवीवीएनएल को कम से कम जब पता है, मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है, आंधी का राजस्थान में एक मौसम रहता है, उससे पहले तारों के ऊपर से पेड़ कट जाने चाहिए जो तारों के ऊपर आ रहे हैं, जो तार लूज़ पड़े हुए हैं उनकी कसाई ढंग से होनी चाहिए ट्रांसफार्मर की। ये सब पोपाबाई का राज है और खाना पूर्ति करते हैं, आते हैं 4 घंटे बिजली बंद कि आज हमने शटडाउन लिया है, अखबार में देख के इतिश्री कर लेते हैं, बाकी इनको क्या दिक्कत आ रही है, किस क्षेत्र में क्या है, खाली हवा में बात उड़ाते हैं, बाकी कुछ लेना देना नहीं है। किसकी लापरवाही मानते हो आप? एवीवीएनएल की है सर। आपका नाम? निखिल टंडन।